विक्रम राठौर कहाँ है तू? ढूंढो ये हराकोर को। This is Inspector S.K. Verma. चाकू को नीचे रख, वरना गोलियों से भून दूंगा तुझे। अरे वर्मा हो या बर्मा, गन नीचे फेंक वरना। Please Inspector साहब, गन नीचे फेंकिए। चल अंदर, चल। आप फिकर मत करिए आंटी जी। जो चाहिए ले जाओ पर मेरा। Inspector साहब। This is Inspector S.K. Verma. अरे वर्मा हो या बर्मा, गन नीचे फेंक वरना। ए नहीं नहीं सर, ए गन नीचे रख, चलना अंदर, पता चल रहा है क्या? चल। hey, साहब की घड़ी, चेन, मोबाइल, अंगूठी सब चुरा लेना, लेकिन साहब को खुशी नहीं होना चाहिए, समझे? Hey, this is Inspector S.K. Verma. चाकू को नीचे रख वरना गोलियों से भून दूंगा। अबे वर्मा हो या बर्मा, गन फेंक वरना। हम इंस्पेक्टर एसके वर्मा को मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। पहले एसके वर्मा को बुलाओ। बुलाओ, बुलाओ। तू कौन है रे? इंस्पेक्टर एसके वर्मा को बुला। इंस्पेक्टर एसके वर्मा मैं ही हूँ। सबसे पहले मेरा ही घर में चोरी की उन्होंने, साले मेरी यूनिफॉर्म भी ले गए। ए शिवा, फटाफट माल निकाल और हिस्सा कर। देख टू जी, अपने पास 35,000 कैश में है। अच्छा, जिसके अंदर मैं 5,000 साइड में रख रहा हूँ, क्योंकि राउंड फिगर हो जाना चाहिए। 30,000 है। खे खे, मैंने प्लान बनाया, इसलिए 5,000 मैं एक्स्ट्रा लूंगा। डबल खे, डबल खे। तो मेरे हिसाब से ये ज्वेलरी होगी 15,000। ओके, यानी कि 15,000 तेरे, 15,000 मेरे और 15,000 किशन के। Who's this किशन मैन? अरे भगवान किशन को भूल गया तू? हैं? चोरी चकारी करते हैं, धर्म कर्म की जब बात आती है तो करना नहीं तुझे कुछ। पॉइंट, लेकिन सुन, हिस्से में सोना मैं लूंगा। हाँ, बहुत शान है तू, हाँ बहुत हरामी है साले। चल ठीक है, सोना तू रख ले। ये 15,000 किशन भगवान के। ये किशन भगवान, ये आपका हिस्सा है, मुबारक हो, लीजिए। और ये आपको नहीं चाहिए? मैं रख लूं? थैंक यू। चलो, ये जो 15,000 है ये मेरा, और ये सोना मेरा। ये चोरी का माल है, तो अगर कहीं तू बाजार में बेचने चला गया, फंस जाएगा। सोच, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे ये खरीद लेता हूँ, लेकिन 10,000 रुपए दूंगा। हाँ चल, निकाल 10,000। ये 10,000 तेरे, ये 5,000 भूल गया तू। Point. अब ये 5,000 और ये 10,000 हुए कितने? 15,000। 15, 7.5 तेरे, 7.5 मेरे। ए, प्लान किसका था? प्लान किसका था? 5,000 कौन देगा? ठीक है, ये ज्वेलरी के 10,000 दिए तुझे मैंने, वापस कौन देगा? बाकी के 7.5 कब देगा तू? कब देगा? दे दूंगा ना यार। कब देगा तू? ट्रस्ट मी नो बॉस। ट्रस्ट मी साला, छुटे इधर बस। ये साला झूठ कितना बोलता है। एक काम कर, फटाफट 2 कप चाय लेके आ, एकदम चीनी रोक के मलाई ठोके, जल्दी जा, ज्यादा सोच मत, जल्दी जा, जा। और बुरुन पाव भी लेते हुए आना, जा, 2 लेते आना, जल्दी जा, जा। हे किशन जी, कल आपने शिवा को पैसे लौटा दिए, अगली बार मैं भी आपको हिस्सा दूंगा, मेरा भी ख्याल रखना प्रभु। ये कहते, साउंड बंद करना। ओके। ओम कांदी विलेज का पोस्ट बॉक्स नमः। ओम अंधेरी रेलवे स्टेशन का एटीएम नमः। इसकी तो ए शिवा, हमारी बॉल अंदर आई है। अच्छा बेटे, बॉल ले लो, नाश्ता भी खाते हुए जाना, नाश्ता गरम तो है ना, अपने माँ बाप के लिए भी लेते हुए जाना। हट।
ये ले, पकड़ से। आज के बाद अगर तुम लोगों की बॉल अंदर आई तो तुम लोगों को गर्म पानी में उबाल के वही आलू की तरह छील दूंगा, समझे? भगवान बुलाता क्यों है बच्चों को? अरे शिवा, तू आज चुपचाप क्यों है? बच्चों को देखकर तू चिल्लाया भी नहीं? कमाल हो गया। अरे कमाल हो गया किशन जी, मेरा दोस्त शांत हो गया। जय श्री कृष्ण। हाँ प्रभु, वो लेट हो गया। 10 बजे बोला था ना, 11 तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा लगता है मंदिर की घंटियां बज रही हो, दिवाली के पटाखे फूट रहे हो, पुलिस जीप की सायरन भी सुनाई दे रही है यार मुझे। तुझे भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? लगता है कल मसाला डोसा खाया ना, मेरा कान बंद हो गया यार। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन सुन, डॉक्टर देवा के पास नहीं जाएंगे? साला वॉलेट भी नहीं रखता है और घड़ी भी नहीं पहनता। सोने की चेन तो लास्ट टाइम ही चुरा ली थी। मेरा बैग। सॉरी सिस्टर। थैंक यू। यू आर स्ट्रॉन्गली वेलकम। एक मिनट, मैंने वैसे आपको कभी इस एरिया में देखा नहीं, पर हमने आपको देखा है। उस मोटे आदमी की जान बचाई थी आपने, उसके बाद जो हुआ वो तो नहीं देखा ना? हाल में कमू। आप मुंबई की लगती नहीं। जी नहीं, पटना से आए हम। पटना से यहाँ शॉपिंग के लिए आई हैं? कजिन की शादी है। वो स्टेशन के पास मलाड में, हार्लेम चर्च के आगे, इनोबिट मॉल के पीछे। पारो, नंबर दे दे। ओह हाँ, सॉरी, 9819। स्टूपिड, किसी अजनबी को अपना नंबर देगी? मेरा नाम है शिवा, इनका नाम है पारो। हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है, और वैसे भी प्यार करने के लिए पहचान की नहीं, दिल की जरूरत होती है बहन जी। ए, किसने कहा हम तुमसे प्यार करते हैं? आपकी स्माइल ने। स्माइल किया तो तुझे लगा प्यार हो गया इसे? नहीं हुआ, नहीं हुआ। 24 घंटे तुमने अगर मेरे बारे में सोचा तो समझ लेना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, वरना मैं समझ दूंगा कि वन साइडेड था। अरे कितना ओवर कॉन्फिडेंट था वो। कौन? शिवा। कौन शिवा? अरे वही जो कह रहा था कि अगले 24 घंटे हम उसी का ही सोचेंगे। करेक्ट ही तो है ना, तू उसी के बारे में ही तो सोच रही है। टू ऑरेंज ग्रेनिटास एंड 2 मशरूम सैंडविचेस। वेटर, 2 ऑरेंज ग्रेनिटास एंड 2 मशरूम सैंडविचेस। एनीथिंग एल्स मैडम? थैंक यू। Thanks. Sorry, bro. It's okay. Fool. बड़ा फूल। बहुत शॉपिंग कर ली ना आज? सच में। शिवा ने ठीक ही कहा था, वो हमें हर जगह नजर आता है। आई थिंक आई एम इन लव। आई थिंक मुझे भी शिवा से प्यार हो गया। मुझे भी वो हर जगह नजर आता है। नेक्स्ट, एंटर द ड्रैगन। सत्यानाश हो। अरे क्या हुआ? अरे बच्चों ने रास्ता काट लिया। हा? 100 काली बिल्ली अगर शिवा का रास्ता काट जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हा? लेकिन जो बच्चे होते हैं ये शैतान के भी बाप होते हैं, बना बना काम बिगाड़ देते। चलो यहाँ से। अरे एक मिनट, तू पीछे से आ, मैं आगे से घुसता हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत अच्छे। आर्नल्ड का बाप। कंट्रोल शिवा, कंट्रोल। पारो। पाय ला दो ताऊ जी। अरे तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई रीत रिवाज संस्कारों की परंपरा है या नहीं? तुम्हारे पैर छुए और हमें देखे बगैर चले गए। अरे तुमसे जान पहचान नहीं ना, शायद इसलिए। पाय ला कुछ चाची जी। ये देखो, इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं परंपरा। उठो उठो बेटा उठो।
लकड़ी की तरह क्यों खड़ा है? पैर पर चाची के पाए लागो चाची जी। खुश रहे फिर से पैर पर चाची के फिर से पाए लागू चाची जी। अरे दो बार क्यों पैर पड़ रहे हो बेटा? मेरा मन नहीं भरा। सीखो, इसे कहते हैं संस्कार। जाओ बेटा जाओ, अंदर जाओ, कुछ नाश्ता पानी करो, अपना ही घर समझो इसे बेटा। चाची जी दूसरा पैर दबा दो। नहीं नहीं नहीं, जाओ। अच्छा जाओ, तुम भी जाओ ना बेटा। और एक बार पाए लागू चाची जी। अरे चाची जी। तुम सच में 24 घंटे मेरे बारे में सोच रही थी ना? बहन जी भी सोच रही थी ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। किसी को हमारी जरूरत हो तो कह देना हम ऊपर वाले कमरे में हैं। ठीक है। तू क्या समझता है कि लड़की एक ही मीटिंग में तेरे प्यार में पड़ जाएगी? हाँ एक बात बता, ना तेरे में शाहरुख जैसा चार्म है, ना ऋतिक जैसी लुक्स, ना आमिर जैसी क्यूटनेस, और ना ही सलमान जैसी बॉडी। आप खिलाड़ी को भूल गई। अच्छा ऐसा स्पेशल क्या है तेरे में? दिखा ना। दिखा दूं? कैसा लगा तुम लोगों को? तुमने तो अपनी स्पेशल चीज दिखा दी, अब हम तुम्हें हमारी स्पेशल चीज दिखाएंगे। दिखाओ ना प्लीज। देखो इसे कहते हैं संस्कार, परंपरा। उठो उठो बेटा उठो, सवेरे ही तो पैर छुए थे बेटा, फिर छूने की क्या जरूरत थी? संस्कार चाची जी संस्कार। सीखो सीखो। अरे हमारा एक काम कर दो बेटा, पास में एक मॉल है, वहाँ से एक नैपीज का पैकेट लाकर दे दो। नैपीज? बच्चों के कच्चे। ओके। अरे प्रभु भाई, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, परेशान हो गया हूँ मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा। आधा फोन कर दे, हाथ में तो था। ये आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ यार? What the hell man? एक लड़की की खातिर बच्चों की चड्डियां ढूंढ रहे है तू? बच्चे जो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, बच्चे जिन्हें भगवान पैदा ही क्यों करता है। मैं यहां कब से कुत्तों की तरह भौंक रहा हूं और तू जवाब ही नहीं दे रहा? तू बोल रहा था? हाँ मुझे लगा कुत्ता भौंक रहा है। आई एम हॉट, बहुत गुस्से से जा रहा हूं मैं। हाँ चोर चोर, अबे उसे पकड़ना, मेरा बॉस वो है। मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं उसको नहीं जानता। कह रहे हरामी मेरा नाम क्यों लिए रहे उधर? ये क्या है? चोर 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 चोर, भैया भैया भैया।
डोंट वरी, वो अब खतरे से बाहर है। तुम्हारा बैग रिसेप्शन पे छोड़ दिया मैंने। और घूरना बंद करो, बिल मैंने भर दिया है। पारो ऊपर है। अरे मेरा माल। शर्म नहीं आती? तुम्हारी कसम, मैंने अपने हाथ को रोकने की बड़ी कोशिश की लेकिन ये माना ही नहीं। साले जहां अमूल पालेकर बनना चाहिए वहां शक्ति कपूर बन जाता, किसी काम का नहीं। तो छी, अगर इस तरह हमारे आगे पीछे घूमते रहोगे तो तुम्हारे काम का क्या होगा? लाइफ में तुमसे बढ़कर कोई काम ही नहीं है मेरे पास। अच्छा ये बताओ, तुम करते क्या हो? चोर हूं, छोटी मोटी चोरियां करता हूं, हेरा फेरी करता हूं। चाहता तो मैं तुमसे ये बात छुपा सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी सच की स्लेट से शुरू करें। तुमने सच कहा, हमें अच्छा लगा। प्रॉमिस करो ये चोरी का काम छोड़ दोगे? मैं प्रॉमिस करता हूं, कल से सारे गलत काम बंद। थैंक यू शिवा। यू आर स्ट्रॉन्गली वेलकम। नॉट सो स्ट्रॉन्ग शिवा। सॉरी। अपन आदमी लेकर मुंबई जा और विक्रम राठौड़ की लाश के बगैर वापस मत आना। ये तो मेरा फोन है जो कल चोरी हुआ था। यस। तू एक लड़की के लिए आज से अपना धंधा बंद कर देगा? आज से नहीं, कल से। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा हाथ मारेंगे। yes! जिससे हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। मैडम, बक्सा बहुत भारी है। भारी तो होगा ही, इसमें 7 दिन के अलग अलग गहने जो हैं। धन्यवाद मैडम। अबे ये मैडम नहीं, गॉडेस लक्ष्मी है। जरा सुनिए भाई साहब,
जी देवी जी, पूरे स्टेशन पर मुझे चोर उचक्के नजर आते हैं, सिर्फ आप दोनों शरीफ लगते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? एक मिनट, चलो। You're right. हम जैसे पैदाशी शरीफ आपको कहीं मिल ही नहीं सकते। मुझे जरा बाथरूम जाना है, क्या आप मेरे बक्से का ध्यान रख सकते हैं? बक्से का ऐसा ध्यान रखेंगे जैसे ये स्वयं हमारा हो। धन्यवाद भाई साहब। जाइए, आप आराम से जाइए। ये बक्सा मेरा बाप उठाएगा। मेरा बाप उठाएगा? अब खुल जा सिमसिम बोल, और इसका ढक्कन खोल। खोलो। रुक 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 रुक, पहले हिस्से की बात कर, फिर ये बॉक्स खुलेगा। अरे बात क्या करनी यार, हमेशा की तरह माल भी तीन हिस्सों में बटेगा, तेरे, मेरे और किशन जी के। नहीं, हिस्से तो सिर्फ दो होंगे। हिस्से तीन होंगे। दो होंगे। हिस्से भाई साहब तीन होंगे। हिस्से भाई साहब दो होंगे। मैंने कहा ना तीन होंगे। मैंने कहा ना तीन होंगे। देख दो होंगे। दो होंगे। तीन बोला ना, तीन। दो। कंफू, कंफू। कहाँ से चोरी करके लाए बक्सा? ये जो है हमारा है। अच्छा, पर तुम दोनों की शक्लें इस बक्से से मैच नहीं करती। क्या मैच नहीं करी? क्या इसमें? टीवी, कपड़े। टीवी के लिए कपड़े। खोल कर दिखाओ। सरकार, खोलने की क्या जरूरत है? वाना खोल। चल खोल। शिवा, ऐसे कोई भी बोलेगा और हम खोल देंगे क्या? तो रुक, मैं हैंडल करता हूँ। हम क्यों खोले ये बॉक्स? तुमको हम पर भरोसा नहीं तो हम तुम पर क्यों भरोसा करें कि तुम असली पुलिस वाले हो? पहुंच ना। चल, कम कम कम। विच पुलिस स्टेशन? विशाल शर्मा, वारंट है क्या? और चाहिए वारंट? मैंने नहीं। नहीं बोल। शिवा खोल दे, नहीं तो ये दिमाग का ढक्कन खोल देगा। अच्छा, तो बच्ची को किडनैप करके ले जा रहे हो तुम लोग? मैं अपनी ही बेटी को बेचने जा रहा था तू? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है कि धूप बहुत तेज है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को इस बक्से में रख दिया ताकि छांव में रहिए। कहाँ रहते हो तुम लोग? मलाड वेस्ट, तेली गली, खोली नंबर 18। ठीक है, रोज आऊंगा चेक करने जी। और अगर ये बच्ची घर पर नहीं मिली ना तो बेटी है तुम्हारी, बाप की तरह पालना इससे। साली फ्रॉड औरत, हम समझ रहे थे हमने उसका पोपट बनाया, लेकिन पोपट बना कौन? वैसे वो औरत थी कौन? अपनी बेटी से पूछ। ए, इधर 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 इधर, तेरे पापा कौन है? तुम।
तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा लगा? इसका बाथरूम इससे भी अच्छा है। जाओ चेक। ओके पापा, ठीक है पापा। मेरी बेटी, क्या प्यार है पापा और बेटी में। ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? तू जान, तूने कहाँ कहाँ अकाउंट खोल रखा है? ये मेरे अकाउंट का नहीं है, किसी और कमीने का फिक्स डिपॉजिट है। पापा पापा क्या करते हैं? अब तू देख, बैठ जा इधर। मेरा दिमाग बहुत गर्म है, समझी ना? आखिरी बार प्यार से पूछ रहा हूँ, बता बेटे तेरे पापा कौन है? मेरे पापा तुम हो। साली मुझसे गेम खेल रहे हैं। चला लुका छुपी खेलते हैं। जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक बाहर नहीं आना, जाके अंदर जाके छुप जाओ। जा ओके पापा। जल्दी फास्ट। ये बाप और बेटी मिलके तुझे चाचा बनाए, उससे पहले निकल ले टूजी। 100 साल बाद मरेंगे सर आप। अभी अभी आप ही के बारे में सोच रहा था मैं। अंदर ये तो आप ही है। ये सब क्या है? थर्ड हैंड है सर। हाँ? सेकंड हैंड आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना। शिवा का है? सर 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 केक लाने गए, उसकी बेटी का बर्थडे है ना। अच्छा हाँ, तो फिर ठीक है, मैं भी केक खा कर ही जाऊंगा आज। नहीं सर। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं? आप बैठिए, मैं शिवा को फोन लगाता हूँ। बैठिए बैठिए, पता नहीं कब आएगा, उसको मालूम नहीं है ना कि आप आए हैं। हेलो शिवा, आज तेरी बेटी का बर्थडे है ना। बर्थडे? हाँ, केक खाने के लिए इंस्पेक्टर साहब आए हैं। क्या? फटाफट केक लेकर आ जा। क्यों मेरे पीछे? ए ट्रक वाला, ए रुको, अरे रुको, अबे रुक। शिवा सर, शिवा आ गया। शिवा, बलून, केक, बेटी, पापा, बर्थडे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाप बेटे में बहुत प्यार लगता है। फिर आऊंगा, रोज आऊंगा। और कोई गड़बड़ की ना? बी केयरफुल। क्या बोला? मैंने अपने आप को कहा सर। ध्यान से। बाय बाय। बाय सर। क्यों थका रहा है ये? मुझसे ये टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूं। दे। अरे ओ ओ चूसे वाम। शिवा है? हाँ अंदर ही है। शिवा? अरे बाप रे पारो। लुका छुपी खेले? शिवा जल्दी जाके छुप जा। ओके जा। पापा। ओके पापा, क्यों बोलती है ये? अरे क्या बात है? कुछ नहीं। बेडरूम में कौन है? कोई नहीं। तो रोका क्यों? बेडरूम में इतनी जल्दी जाने को तैयार हो? हाँ चलो ना। छोड़ो। नहीं प्लीज चलो ना। छोड़ो शिवा। अरे मुझे क्यों खींच रही? क्या है? पारो। शिवा। पारो। शिवा क्या हो गया? पारो चुप जा, चुप जा, चुप जा, चुप जा गले के फिर से। नॉट छुप जा, लग जा गले। वेरी इंटेलिजेंट, यस वेरी इंटेलिजेंट। लग जा गले के फिर के फिर। नॉट सो स्ट्रॉन्ग शिवा। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, चलो चल के प्यार करते हैं। कहाँ? सड़क पर। सड़क पे? नहीं नहीं, स्टेशन पर। बहुत शोर है। हाँ? बहुत शोर है। आउट ऑफ इंडिया।
क्या ढूंढ रहे हैं? ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लड़की कहाँ से आई है और कौन है, और वैसे भी अगर पारो को पता चल गया तो मेरी लव स्टोरी का बैंड बज जाएगा। का स्टाइल तो सॉलिड है, फिर कटवा क्यों दी? ये मैं नहीं हूं अंधे, ये इस बच्ची का बाप है। हा? इसकी शक्ल मुझसे मिलती है, तभी ये बच्ची हमेशा मुझे पापा पापा कहती है। लेकिन इसे ढूंढेंगे कैसे? ढूंढेंगे कैसे नहीं, ढूंढना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो होगा साला। कितनों को मारेगा तू? हम पूरे 50 है 50। तू और तो हर बेटी को मारे बगैर हम नहीं चलेंगे। मेरी बेटी को छूना तो दूर, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो मैं उसकी जान निकालूंगा। देखो और फिक्र मत कर, यही था भैया, यही पे मेरे पीछे भागा था वो, यहाँ पे इधर ही था। अरे कहाँ गया साला? यहीं पर तो था, मैंने उसे यहीं देखा था। किधर है वो? यहीं पर देखा था भैया। चलो अरे हाँ ना, बोला ना शाम तक भेजता हूँ तेरे को। देखो चल फोन रख बे। क्या है, आपने इस आदमी को देखा है कहीं? तेरी तो आदमी साथ में है और मेरे को बोलता आदमी को देखा है क्या? आज पता चला कि टीवी पे क्यों गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि हेलमेट पहनो। चुपचाप बैठ जा मेरे पीछे, कहीं और चल के ढूंढते हैं। सुबह से 5 थप्पड़ खा चुका हूँ। हाँ ठीक है, चुप। या तो तू खुद हेलमेट खरीद या इस लड़की के बाप को अकेले। चुप बैठ जा। दस सोलह बच गया। समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर विक्रम, आपके दिमाग में जो चोट है वो काफी सीरियस है। अब एक हल्का सा भी शॉक आपकी जान तक ले सकता है। अगर वहां पर आपको पानी नहीं मिला होता तो आपके दिमाग की नस प्रेशर से फट सकती थी और आपको ब्रेन हैमरेज तक हो सकता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। चल खा ले। क्या हुआ, भूख लगी है ना? हाँ। तो खाती क्यों नहीं, खा ले। तुम हमेशा की तरह अपने हाथ से खिला दो ना पापा। फिर नाटक शुरू इसका। मेरे हाथ में लगी है, हाँ? मैं खिला नहीं सकता, समझी? खा ले खुद।
सारा टाइम पापा पापा क्या पापा क्या है? तुम्हारा हाथ कट गया था ना पापा, मैं खिला देती हूँ। मुझे भूख नहीं है, तुम जाके खाओ, जाओ जाओ जाओ। खाना खाना तो खा, नहीं तो फेंक दे। तू करे आराम और मेरी नींद हराम। नहीं खाया खाना, मत खा। तू खाना खाए या नहीं खाए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सब कसूर तेरे बाप का है, छोड़ के गया तेरे को यहां। फंसा कौन? कान खोल के सुन ले, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, समझी? तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। छुप जाना रे, छन भर को लुक जाना रे। चुप बैठ अभी, हम लोग बात कर रहे हैं, चुप बैठ। तूने सुना है? ए, चुप चुप। कोई रिश्ता? साइलेंस। ए, कैसे कैसे आराम करी? देखो छी। सुबह सुबह तेरा भजन शुरू। अब क्या हुआ, पागलों की तरह क्यों रो रही है तू? टूट गया पापा, मम्मी चुप हो गई। ला मुझे दे। चल ये खा ले। पापा लास्ट है ना? ओके लास्ट। ये बस। पापा तुमने कहा कि तुम चोर हो, फिर भी तुमसे प्यार किया। कहा कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं, हमने ये बात भी मान ली। और अब तुम्हारी ये बच्ची भी है? नहीं पर हकीकत कुछ, हकीकत ये है कि तुम्हारा प्यार झूठा है, धोखा किया है तुमने हमारे साथ। पापा बेटे, पापा अभी आते हैं, ठीक है? ओके पापा। पारो पारो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। ये बच्ची तुम्हें बार बार पापा कह रही है, इसके आगे और क्या समझाओगे तुम शिवा? अपने माँ बाप को लाए थे तुमसे मिलवाने, ये बताने आए थे कि हम वापस पटना जा रहे, पर तुम सब खत्म कर दिया तुमने। देखो पारो, मैं साबित कर सकता हूँ। और क्या साबित करोगे तुम शिवा?
बारो मेरी बात तो सुनो। देखो मिस्टर, हमें अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चलो। घोड़े को अपनी मौत को सामने देखकर देखो कैसर फड़फड़ा रहा है। सलाउद्दीन तो मुझ पे ताव मार के कहत रहा, हम मौत से नहीं डरता हूँ। बोलना बहुत आसान है लेकिन सामना करने में अच्छे अच्छे लोगों की समझे ना। चल आजा, अबे आना। जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया, वो साला अर्थी पे अपने घर गया। राठौड़, विक्रम राठौड़, मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे।
मौत में इतना दम नहीं कि मेरे सामने आ सके, इसलिए इसकी माँ का 6 महीने से कुत्ते की तरह मेरे पीछे घूम रही है। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मौत को तुम सब हरामियों की लाशों पर से गुजरना होगा। मेरी बेटी की कसम, अगर तुम में से एक भी आदमी जिंदा बचा या मैं तुम सबसे 1 मिनट पहले मर गया, तो पहले मेरी ये मूछें काटना और फिर मुझे जमीन में गाड़ना। आओ आओ,
सर। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। डॉक्टर साहब, चिंकी का क्या हाल है? वेल, शी इज फाइन एक्चुअली। शॉक की वजह से बेहोश हुई है। डोंट वरी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर? यस। चोट जानलेवा है, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि अचानक तुम्हारी जिंदगी में यूं इतने प्रॉब्लम से एक के बाद एक कैसे आने लगे, या वो आदमी कौन है जो इस वक्त अंदर आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं। सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। ये बात मैंने नहीं, उसने कही है। वो अकेला 100 हथियारबंद पुलिस ऑफिसर्स के बराबर है। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम राठौर। ये बात 6 महीने पहले की है। पटना के पास एक छोटा सा शहर है, देवगढ़। बाबूजी नाम के गुंडे की वहां हुकूमत थी। पूरा शहर पुलिस की वर्दी, सिर्फ नंगा बदन ढकने का काम करती थी। उन्हीं कुछ बेबस पुलिस ऑफिसर्स में से एक मैं भी था। पवित्र व्याकुल मन शांत। धन्य हो माता। प्रणाम बाबूजी। यहां क्यों आए रे बंक? बंक ना? मेरी बीवी 2 दिन से लापता है बाबूजी। हाँ, पत्नी लापता हो ही गई। बराबर रखते नहीं थे का? फल खरा भूल गवा का? जोरू का उम्र 30 साल। 30? अरे धोरेगा बाबू, औरत का खास ख्याल 2 ही उम्र में बहुत रखना पड़ता है। एक जब उसकी उम्र होवत है 17, तब सारा बढ़ जाता है खतरा। और जब औरत धोवत है 30, उस साली बन जावत है 30। अरे पका हुआ आम तो लोग अपने सगे भाई के बगीचे से भी चोरी कर लेते हैं। पापा, मम्मी, वो उधर। पापा देखो ना, मम्मी, पापा उधर। बाबूजी, किसी भी तरह से मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए। जानते हो वो कहाँ है? नहीं बाबूजी। किसी पे शक हुआ कहेगा? नहीं बाबूजी। ठीक है, 2 ही दिन में ढूंढ लेंगे तुम्हारे जोरों को। लेकिन मेरे बच्चे मिल जाएगी, जा घर जा। पापा,
जल्दी कर निकल जाना, देखता क्या है यहां से, कहां चकर चकर ताक रहा है। चिंता मत कर सुन, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बोले टैक्सी चाहिए साहब जी, कहां जाना है? बालकी चौक जाना। आए बाबू, 500 रुपया है किराया। बालकी चौक तो बहुत नजदीक है। मुच्छड़, बाप जी के राज में बहस नहीं, समझा? नहीं जाना। जाना है कि नहीं जाना है, पूछा है ना? चल पैसे निकाल। दे दो साहब, इनके मुंह मत लगो। निकाल। अबे बाबू, खाली बच्ची ही लाए हो का? इका माँ कहाँ है? हाथों देखे तो जरा, बच्ची को देख के तो लगता है कि माँ कमाल होगी। का साहेब, अगला गाड़ी से आ रही है का? लगता है तोहार रसगुल्ला खान का बहुत मन हो रही है। आइए सर। तुम मम्मी का गाना सुनो, मैं अभी वापस आता हूँ। ओके 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 बेटा। फिर वापस का बीबी की फोटो दिखाने आयो का? कौन है, कौन है? ए, किसको मारा तूने? पता तेरे को? भीमा भाई को, भीमा भाई को मारा तूने? किधर गया? नमस्ते साहब। चलो खड़े हो, अपने कपड़े पहनो, जल्दी करो, उठो, पैसा निकाल। इन्हें अच्छा सबक सिखाया भाई साहब, लेकिन आप हैं कौन? तुम्हारे शहर का नया एएसपी विक्रम राठौर। डरो मत, एक काम करो, ये पैसे लो, जिन जिन से इन लोगों ने पैसे लिए उन्हें वापस कर दो, ठीक है? आज के बाद अगर कभी यहां नजर आए सर, इंस्पेक्टर रजिया खान। वेलकम टू देवगढ़ सर, इंस्पेक्टर विशाल। सॉरी सर, आपको रिसीव करना नहीं आ पाया। इट्स ओके। पापा, मिनी थक गई, क्या करूं? उसे सुला दो, जाओ। ओके पापा। आपकी वाइफ नहीं आई सर? आई एम सॉरी सर। पापा पापा जल्दी चलो ना, स्कूल के लिए देर हो रही है। Okay, पापा अभी तक बाल भी नहीं बने, टीचर गुस्सा करेगी। तुम्हारी वाइफ भी
गुजर गई? नहीं, हमारी मम्मी ओके, ठीक है सर, सी यू, चलो बेटा। पर पापा। एक मिनट। क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? बेटू बोला था ना दो दिन जा। क्या तू मेरे बाल तक को नहीं छू सकता है? तू सिर्फ बोलता है, मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। जल्दी डीजीपी प्रकाश है। ये प्रकाश, शहर में आग लगा रही है क्या? क्या हुआ सर? अरे तुम्हारे किसी इंस्पेक्टर ने वो बाबूजी के बेटे को अरेस्ट किया है, फौरन छोड़ दो उसको, डोंट माइंड। लॉ एंड ऑर्डर। अरे बाबूजी खुद लॉ एंड ऑर्डर है, डोंट माइंड। तेरे को मरना है तो मर, लेकिन मेरे को जिंदा रहना है, समझा? चल रहा कभी, डोंट माइंड। कौन है ये विक्रम राठौड़? और उसके हीरो बनने के चक्कर में वो जाहिल मिनिस्टर हमें गालियां दे रहा है। फाइल लाओ। बहुत निडर पुलिस ऑफिसर है सर। कहां मिलेगा वो? सर हैरिस, ऑफिसर विक्रम राठौड़, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी, आई एम इंप्रेस्ड। 4 साल में 4 प्रमोशंस और 10 ट्रांसफर्स, नो समझौता, नो कॉम्प्रोमाइज, वेरी गुड रिकॉर्ड। लेकिन ये मेडल्स, ये रिकॉर्ड्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब के अलावा एक पुलिस ऑफिसर में ड्यूटी करते वक्त डर की भक्ति होनी चाहिए। सोचो, आधी रात तुम तुम्हारे बिस्तर पर सोए हुए हो और दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम दरवाजा खोलकर बाहर जाते हो, बाहर देखते हो, बाहर कोई नहीं। अपने आप को बचाने के लिए तुम अंदर आकर अपने रिवॉल्वर की ओर बढ़ते हो और रिवॉल्वर भी गायब है। बाहर सिर्फ
गुंडों के हंसने की आवाजें आ रही है, उस वक्त तुम्हारे दिल में जो पैदा होगा, जानते हो वो डर कैसा होगा? शाम को तुम्हारी बेटी स्कूल से घर वापस नहीं आती, तुम स्कूल पहुंचते हो तो वॉचमैन कहता है कि वो तो कब की चली गई। डर का पता तब चलेगा जब किडनैपर का फोन आएगा। डर को अंडर एस्टिमेट मत करो, डर की इज्जत करो। जो लोग निडर होते हैं उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने ये कैसे सोच लिया सर कि मैं डरता नहीं? हर दिन, हर मिनट, हर पल मुझे डर लगता है। 5 साल पहले जब मैंने शपथ ली थी, उस वक्त मैंने अपने आप से ये वादा किया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी ड्यूटी पर कुर्बान कर दूंगा। आधी रात को मेरे दरवाजे पे दस्तक हो या ना हो, रात 10 बजे किडनैपर का फोन आए या ना आए, लेकिन मेरी मौत जरूर आएगी। हर सेकंड मुझे इसी बात का डर लगता है कि जब मौत मेरे सामने होगी, उस वक्त कहीं मैं अपने आप से किए इस वादे को पूरा करने में नाकाम ना हो जाऊं। जो बुरा काम करते हैं, डर उनकी नस नस में होता है। Now if you don't mind, sir, मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है। मेरी बेटी मेरे घर पर इंतजार कर रही होगी। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है सर, जब मौत मेरे सामने आए तब मैं डरा हुआ ना लगूं, बस मेरा हाथ मेरी मूंछ को ताव दे रहा हो और मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो। चश्मदीद गवाह हूं और मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि मुन्ना दिमागी मरीज है और जो कुछ भी हुआ वो साजिश नहीं, इत्तेफाक था। लिहाजा ये अदालत मुन्ना को बाइज्जत रिहा करते हुए पुलिस को खबरदार करती है कि आइंदा बिना सबूत के किसी मासूम को इस तरह गिरफ्तार ना करे। अपने सेवक से खुश है ना? विक्रम राठौड़ ने हमार मुंह पे पेशाब किया है। बेइज्जती का आग में जल रहा हूँ हम। उस आग को बुझा देंगे, डोंट माइंड। आज रात की पार्टी में उसको सिक्योरिटी बना के लेके आएंगे, फिर आप अपना मुर्गा बन ऐसा हो। आपकी कृपा है। बाय बाय, मंत्री अंकल आ गए, मंत्री अंकल आ गए। पता है बहुत अच्छा रहा गाना, अब और मजा करना है। बोल बिटवा, कैसा मजा? पकड़ा पकड़ी खेलना है अंकल। अच्छा? तो हार पुलिस वालों के साथ। पुलिस वालों के साथ? हम जिसे पकड़ लेंगे ना, वो पुलिस वाला अपने कपड़े उतारेगा। ऑफिसर, गुस्से को जरा काबू में रखो, डोंट माइंड है। क्या ये दिमागी मरीज है? अगर ये थोड़ी देर तुम लोगों के साथ खेल लेगा तो तुम लोगों का क्या बिगड़ने वाला है? और वैसे भी पुलिस का काम जनता की सेवा करना है ना? मुन्ना, तुम खेलना चाहते हो ना? खेलो, डोंट माइंड है। और ये जो रिवॉल्वर है ना, उसको अनलोड करके अंदर रखो और चुपचाप खड़े रहो, समझे? अब तो खुश है ना? बिटवा, खेल शुरू कर। अरे तू नहीं, उसको पकड़ूंगा। कुछ कीजिए सर। बैठ जा,
अब अगला मूछ वाला दरोगा। ऊपर से कूद कर मर गया, विटनेस के लिए मंत्री जी के हस्ताक्षर लेना, और अगर जरूरत पड़े तो इस पागल के बाप के भी। सर, सच्चे पुलिस ऑफिसर की वर्दी भी अपनी ड्यूटी निभाती है बाप जी, याद रखना। क्या बात कर रहे भाई साहब, ये दशहरे से ज्यादा मुन्ना की मौत का जश्न है सर। जिस दिन बाप जी और तितला मरेंगे ये लोग रोज त्योहार मनाएंगे सर। ऑफिसर, ऑफिसर, मुझे लगता है कि तितला के लोग इसी भीड़ में कहीं छुपे हुए हैं। बी अलर्ट, हमारे आदमियों को हर जगह फैला दो। क्विक Yeah!
मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है सर, जब मौत मेरे सामने आए तब मैं डरा हुआ ना लगूं, बस मेरा हाथ मेरी मूंछों को ताव दे रहा हो और मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो। ताव देकर कहतरा की हम किसी से नहीं डरता हूँ। अब देखो अपने देवता को कैसे सूली पे लटक रहा है। अरे ये कैसन भगवान है कि एक ही गोली में ढेर हो गवा। तुम लोगन का भगवान सिर्फ एक है, हमारा भाई बाप जी। हमार बेटा की मौत पर हजरत रहा था चिंगादर गारदाई का ई जमीन में और कबर पे ई का फोटो लगाना ताकि आने वाले हर पुलिस ऑफिसर को पता चले कि बाजी से टक्कर लेने का अंजाम का होता है। सर जिंदा है। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन ये बात किसी को नहीं बताएंगे। और फिर उसके बाद एक गांव में छुपकर हम विक्रम सर का इलाज कराते रहे। फिर उन्हें मुंबई ले आए, मल्टीपल टेस्ट हुए पर डॉक्टर ने बताया कि दिमाग में गोली लगने की वजह से बहुत गहरा नुकसान पहुंचा है, उनकी मौत कभी भी हो सकती है। चिंकी को संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, वो तो अपने पापा के बिना खाना तक नहीं खाती थी। तब जगदीश ने तुम्हें मॉल में देखा और मजबूरन हमें ये नाटक करना पड़ा। प्रॉब्लम हमारा है लेकिन परेशानी तुम्हें उठानी पड़ी। जो कुछ भी हुआ भूल जाइए। एक्सक्यूज मी, उनके पास वक्त बहुत कम है, आप लोग इमीडिएटली जाके उनसे मिल लीजिए। सर आप फिक्र मत करें, चिंकी अब मेरी बेटी है सर। सर कुछ नहीं बेटा, वो अंकल को ना नींद नहीं आ रही थी तो उन्हें सुलाने की कोशिश कर रहे थे। मम्मा का गाना सुनकर अंकल को नींद आ जाएगी। आंखों में आई बिटिया मेरी सो जाए।
हर सेकंड मुझे इसी बात का डर लगता है कि जब मौत मेरे सामने होगी उस वक्त कहीं मैं अपने आप से किए इस वादे को पूरा करने में नाकाम ना हो जाऊं। सच्चे पुलिस ऑफिसर की वर्दी भी अपनी ड्यूटी निभाती है बापजी। अबे रुक, बिना परमिशन के सीटी बजा रहा है ना? निकाल 500 रुपया। अरे गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं आता है, नहीं। मारना नहीं, दर्द होता है। और एक बार किसी ने हाथ लगाया ना, रो दूंगा मैं। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं पाएगा। डर गया ना? चल नहीं रोता। भैया आ गया। अरे नहीं नहीं, जब आवाजें शुरू करते हैं ना तो याद करने में बड़ी टेंशन होती है। आप यहीं से शुरू कीजिए साहब। आज मेरा अपॉइंटमेंट तुम्हारे बाप के साथ है। तुझे यस जी। बुधिया का 70, ललुआ का 70। अरे पैसा निकाल, मुका ताक रहा है। साला खटमल, पैसा नहीं देगा। तू देगा, तुहार बेटा देगा, तुहार पोता भी देगा। बाप जी से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। अरे पानी ला रहे हैं, जल्दी कर दिया जी। पानी पानी पानी। चलो भाई, अपना अपना पैसा उठाओ और आना नहीं है वापस। चलो, ये क्या हो रहा है? गीता विक्रम राठौरी जाने क्यों बाप जी? देख के डर गया या डर के देख रहा है? भूल गया क्या? पिछली बार हमारे भाई जिट्टा ने ऐसा पिटाई की थी, डर कर भाग गया था तू। शेर जब दो कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए ना ही डर के, समझे ना? जिस तरह तेरे बेटे को लटका कर मारा था ना, ठीक उसी तरह तुझे और तेरे भाई टिटला को मार कर इस गांव की कुंडली सेट करनी है। हमार कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस गांव में सिर्फ एक ही राउडी है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इस गांव में सिर्फ एक ही राउडी होना चाहिए। मैं राउडी राठौड़। करेक्ट। कल 12 बजे तेरे अनाज का गोदाम लूटूंगा और पब्लिक में बांटूंगा। जानना चाहता है कैसे लेमन चूस? देख, चिंता चिंता का है रे? चिंता का मतलब है लाठी, ताता का मतलब है पिछवाड़ा, और चिता चिता का मतलब है चटनी। यानी कि लाठी से मार मार कर तेरे पिछवाड़े की चटनी बनाऊंगा, समझे? डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। लगा लगा वहाँ लगा ना? हराम कौन? जाके तेरी बहनिया को पूछ। मेरा माल। एक मिनट, अब तुम शिवा नहीं, एएसपी विक्रम राठौर हो, संभल कर। शिवा, कहाँ चले गए थे तुम? शिवा, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुम्हारी सारी गलतियां भूल गए,
बस तुम्हें भुला ना पाए। लव यू शिवा। आर यू कॉमेडिंग मी? मैं विक्रम राठौर, लेडी हू यू? शिवा तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? हाँ, ओ शिवा शिवा, जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है। मेरी बेटी एक हफ्ते के लिए उसके पास गई थी, तुमने उसे गलत समझा। वेरी बैड, एक अच्छे आदमी को तुम गवाह बैठी। बैड लक, यू मिस्ड हिम फॉर इंच। और अगर अफसोस करना है तो रोड के साइड में होके करे, समझे? इंस्पेक्टर, गाड़ी चलाओ, अगर ना हटे तो उड़ा दो। किलर। प्लीज शिवा, बंद भी करो ये ड्रामा। देखिए मैडम, मैं चाहूं तो आपको अरेस्ट कर सकता हूं। खामखाम पुलिस ऑफिसर को परेशान कर रही है। कहां था मैं? यहां। हाँ, मैं शिवा हूं। नहीं, मैं विक्रम राठौड़ हूं और मैं तुम्हें नहीं जानता। जाइए आप यहां से। मर जाऊंगी। मारो, 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 मारो। हमने पत्थर फेंका था। अगर हमसे प्यार नहीं करते तो आवाज सुन के कूदे क्यों? डिस्कशन बंद करो, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तुम हमसे प्यार करते हो कि नहीं? बचूंगा तो करूंगा ना। तुम शिवा 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 हो। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद हर हफ्ते दो बार शॉपिंग ले जाओगे कि नहीं? मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी की शॉपिंग कर लेना। बचा तेरी तो बचा। मेरे ऊपर मत कूदना। टू जी ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। आप लोग फिक्र मत कीजिए, शिवा के साथ साथ अब मैं भी चिंकी का ख्याल रखूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। शिवा बोलो, इस बार थोड़ा स्ट्रांगली। बारह तो बज गया, अभी तक नहीं आया। हम तो उसका तमाशे का इंतजार कर रहे थे। अरे कुछ नहीं जीजा जी, देखिए ना, विक्रम राठौर अभी तक नहीं आया, 12 बजे बोला था। जो बोलता है वो करता नहीं, अगर वो करने वाला होता बोलता नहीं। सही है। हेलो कुत्ते। जीजा जी आपका फोन। राठौर। अरे बागचोर, इतना घबरा गया कि फोन पर बतिया रहा है। हम तो तुहार क्रिया कर्म करने के लिए इधर गोदाम में इंतजार कर रहे थे। मैं तेरे गोदाम पर ही आ रहा था, लेकिन क्या करें, रास्ते में तेरे दारू की फैक्ट्री जो आ गई। अब दारू तो मैं पब्लिक में बांट नहीं सकते ना, मैंने सोचा तेरी फैक्ट्री का क्रियाक्रम ही करते, उड़ा दिया तेरी फैक्ट्री को बॉम्ब से। हम तो कचोड़ गए। गाड़ी निकालो, चलो। ये करता पहले बोलता बाद में। आपका भरे हुए अनाज के गोदाम की रखवाली छोड़कर
तू वहां जली हुई दारू की फैक्ट्री पर क्या कर रहा है बे? चलो अच्छा हुआ तेरे आदमी मेरी धुलाई से बच गए। हमारे गोदाम पे हाथ रखा तो हाथ काट दूंगा। हाथ तो पब्लिक साफ कर रही है तेरे अनाज पर। अगर तू एक एक बाप की औरत है तो वहां से जाना मत, हमारा हूं। अरे ईका कह दिया जीजा जी, अब तो वो वहीं रुकेगा। हम जो ऐसे दर्द होगा। राम राम बाप जी। इधर इधर। एक बाप की औलाद, अब कल दोपहर 12 बजे तू साबित कर के तू कितने बाप की औलाद है। कहा होने वाला कल बोलिए तो? कल 12 बजे सड़क के चौराहे पर तेरे जीजू के 13 बजने वाले हैं। तेरे जीजू को पब्लिक से पिटवाने का प्रोग्राम बनाया मैंने। अच्छा, यहाँ से तू बच के जाएगा कैसा रे बुढ़बान? अभी दिखाता हूँ। देखा रहे हो, जब तक मना जाए मारो साले को। अबे अकल के अंधो, मैं भागा कूदा लेटा, कुछ तो प्लान बनाया होगा मैंने। साले गेंडे जैसी शक्ल है और गेंडे जैसी अकल है। तेरे को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म दिखाया, कल 12 बजे कलर फिल्म दिखाऊंगा। सुन बे लपड़ झंडस, तेरे को जब गुस्सा आता है तो चिल्लाता है, मैं उड़ाता हूं। हिम्मत कैसा भरेगा? अरे ये सब हमारा गुलाम है, इनका शरीर मां खून नहीं, हमार पानी है पानी। क्या ये सब सुन के तुम लोगों का खून नहीं खोलता है? अरे अगर तुम में से हर एक आदमी सिर्फ एक एक हाथ मारेगा तो ये बापजी और उसके आदमी जिंदा रहेंगे क्या? अरे सर झुका कर क्या खड़े हो, आगे बढ़ो मारो उसे। जो लोग नजर नहीं उठा सकते वो हाथ का उठाएंगे। अरे मर्द तो एक तरफ, अगर इन औरतों में किसी पे भी उंगली रखी ना तो आकर बैठ जाएगी हमार जांघी पर। नमूना दिखाएं। तुम
तो पुलिस वाकी जरूर है। हमार मुन्ना की तरह दिन में चार बार हम तो काक्सेर नहीं करा सकते, लेकिन हफ्ता में एक बार। आवा। बैठा हवा जाएगी पर। अगर उस दिन मैंने थोड़ी हिम्मत की होती तो तेरा बेटा भी मेरे ही हाथों मरता। तूने औरत का गुस्सा नहीं देखा, तू देख आज, देख आज। बंद करो ये सब, क्या हो रहा है ये? जानवर हो तुम? एक शरीफ इंसान को इस तरह पीटते? क्या है ये सब? लाठी है सर, सिर्फ 5 बची है, 100 लाया था मैं। और तुम पुलिस वाले हो या जल्लाद हो तुम? मेरे पीठ पीछे एक आदमी को इस कदर मारोगे? सॉरी सर, गलती हो गई। साहब का सुना नहीं? सामने के वाला पीठ के पीछे नहीं मानेगा, सामने मानेगा। एक से गिनती शुरू कर। डोंट माइंड हर। अच्छा मैं निकलता हूँ, आपकी मैं निकलता हूँ। जयराम जी की। मंत्री जी कहाँ जा रहे हो? अभी तो कार्यक्रम शुरू है, इसके बाद आपकी बारी है। मेरी मेरी मुझे सीएम के साथ मीटिंग है अभी। सर मीटिंग छोड़िए ना। अरे बंद क्यों किया? हाँ? आज संडे है क्या? चलो शुरू हो। डरो मत चिंकी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। अच्छा। एक जंगल में एक डाकू रहता था, बहुत खतरनाक था वो। इसकी तरह एक दिन एक पुलिस ऑफिसर आया, बहुत बहादुर था, बिल्कुल पापा की तरह। उसने उन्हें इतना मारा कि उनका कीमा बना के रख दिया। चुप कर बकलोल कचरा, अब देखना विक्रम राठौड़ यहाँ पर आएगा तो जंगली सुअर की तरह खेल खेल के मारेंगे उसको। ए पगलेट, विक्रम राठौड़ मर चुका है। आज जो आ रहा है वो शिवा है, वो राउडी है, राउडी। सुनसान की भेस में कुकुर, विक्रम राठौड़ को तूने ठगी से मारा था। मेरा शिवा वो तो खुद ठग है, इतना बड़ा हलकट है कि जो वो बोलता है वो करता है, और जो वो नहीं बोलता वो तो वो डेफिनेटली करता है। मेरी बात मान, अपनी जान बचाकर भाग ले यहाँ से, वरना तेरी तो।
ता चिता चिता चिंता ता ता। ले ये चिंता चिंता क्या है रे? चिंता का मतलब लाठी, ताता का मतलब पिछवाड़ा और चिता चिता मतलब चटनी। ये कह रही है कि वो आपके पिछवाड़े पर लाठी मार मार के चटनी बनाएगा। इसके पहले जीजा जी ने पूछा था तो उनका बन गया चटनी। अब पूछ रहे तो देख का रहे हो, खत्म कर दो इसकी बेटी को। मेरी बेटी को छूना तो दूर, अगर किसी ने भी ऐसा सोचा तो मैं उसकी जान निकाल लूंगा। फौलाद की औलाद, उठ उठ मेरे बाप।
शिवा ने चिंता चिंता करके मेरा कीमा बना दिया, पर मैं क्या करता हूं बताऊं? अभी मूड नहीं है। ऐसा मत कीजिए साहब, थोड़ा तो हाथ घुमा के जाइए ना। ए फौलाद की औलाद, चलना। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता